हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका छवि किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना अंडे का ऑमलेट। ये बनाना बहुत ही इजी है और कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बिना अंडे का ऑमलेट मैं कैसे बनाती हूँ। एक बाउल ले लिए हैं और एक कप बेसन लेंगे। बेसन को मैं छान ली हूँ। बेसन छान के लीजिएगा तो लम्स नहीं बनेगा। और 1/3 कप मैदा लेंगे। जितना बेसन लीजिएगा उसका 1/3 मैदा लेना है। और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, ये बेकिंग पाउडर है। आप देख सकते हैं ये वाला बेकिंग पाउडर मैं ली हूँ। यहाँ बेकिंग पाउडर लेना ज़रूरी है, तभी ऑमलेट जैसा टेक्सचर आएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेटर बना लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही बेटर बनाइएगा। आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर डालने की वजह से इसमें बबल्स बनने लगे हैं। थोड़ा बेटर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी और डाल लेंगे। पूरा बेटर बनाने में 1 ग्लास पानी लग गया है। इस तरह का बेटर बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब डाल लेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉनस्टिक का पैन ले लिए हैं ऑमलेट बनाने के लिए। आप यहाँ तवा भी ले सकते हैं। और पैन गर्म हो गया है। अब लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और बेटर डाल लेंगे। जितना बड़ा तवा है उस हिसाब से आप बेटर डाल लीजिए। मैं यहाँ 1.5 चम्मच बेटर डाल रही हूँ। और बेटर को चम्मच से नहीं फैलाना है, पैन को इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही पकाना है, तभी ऑमलेट जैसा बन पाएगा। इसमें जो भी बबल्स आ रहे हैं हाई फ्लेम रहेगा तो फूट जाएंगे और ऑमलेट जैसा नहीं बन पाएगा। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी, ये नॉनस्टिक के तवा या पैन में ही बनाएं, तभी ये ऑमलेट जैसा बन पाएगा, ऑमलेट जैसा फूलेगा। आयरन के तवा पर बनाएंगे तो ऑमलेट जैसा नहीं फूलेगा, चीला जैसा बन जाएगा। गैस का फ्लेम लो है इसलिए बीच में ही ज़्यादा हीट लग रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए पका लेंगे तो चारों तरफ अच्छे से पक जाएगा। ऊपर का बेटर अच्छे से सूख गया है, हल्का ऊपर से भी तेल लगा लेंगे। और नीचे के साइड भी पक गया है, अब पलट लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑमलेट जैसा ही दिख रहा है और ऑमलेट जैसा बिल्कुल सॉफ्ट है। अब आराम आराम से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना अंडे का ऑमलेट बनके तैयार हो गया। एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लग रहा है ना बिल्कुल ऑमलेट जैसा, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऑमलेट जैसा सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। यदि ये ऑमलेट आपको थोड़ा मोटा बनाना है तो बेटर थोड़ा गाढ़ा रखिए। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में या नाश्ता में बना सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।